माँ का रसोई घर में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। और इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो गाजर और ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश और 8 से 10 लिए हैं इलायची हरी। 1 लीटर दूध लिया है। पहले मैं गाजर के पीछे का ये भाग जो है ये हटा के इनको हटाऊंगी और इनको ऊपर का जो ये हिस्सा है ये जो बाहर से दिखाई देते हैं इनको हटाना है। इसको मैं वैसे चाकू से ही घिस लेती हूँ, जल्दी हो जाता है काम। हम दूध चढ़ा देते हैं। अब मैं तो गैस ऑन कर रही हूँ, उस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। और ये जो 1 लीटर दूध है इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें मैंने दूध डाल दिया है 1 लीटर। तब तक मैं अपनी जो मेरी गाजर है वो मैं ग्रेट करूँगी। इसको मुझे गाढ़ा करना है, आधा जब आधा रह जाएगा तब मैं इसमें गाजर डालूँगी। जब तक हमारा दूध पक रहा है अब हम इन गाजर को घिस लेते हैं। अभी तक मैं इनको कसके ही बनाऊँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। वैसे आपका जैसा मन हो आप वैसा बना सकते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत तो जरूर लगती है। अब मैंने सारी ये गाजरें कद्दूकस कर ली हैं, ग्रेट कर ली हैं। अब मैं दूसरी गैस ऑन कर रही हूँ और इस पर रखूँगी कुकर। तब इसलिए मैं इसमें डालूँगी पहले 1 चम्मच बड़ी घी देशी। इसमें मैंने सारी गाजर डाल दी हैं। मैंने थोड़ा सा दूध डाला है जिससे ये नीचे ना लगे गाजर। इसको मैं चमचे से थोड़ा चला दूंगी नीचे तक। इसको बंद कर दूंगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने दूध रखा हुआ है, वो आधा रह जाएगा तब उसमें मैं ये गाजर डालूंगी। और ये दूध उबल रहा है, कम हो गया है वैसे, थोड़ा और गाढ़ा करना है मुझे। तब तक मेरी गाजर भी उबल जाएंगी। वैसे इसको बनाने में आधा घंटा ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस जो भी टाइम लगता है वो जो हम गाजर को कद्दूकस करते हैं उसमें ही लगेगा। में 2 सीटी आ गई हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इधर हमारा दूध पक रहा है जो आधा हो चुका है करीब। मैंने कुकर को खोल दिया है और जो मैंने इसके साथ चीनी डाली थी वह उसी का पानी है। उसको मैं अभी लगातार चला के उसको सुखा लूँगी, तब मैं इस दूध में डालूँगी। मैंने तेज आंच कर रखी है और इस पानी को सुखाना है मुझे। गाजर उधर पानी सूख रहा है, पानी गाजर का सुखा रहे हैं हम। तब तक हम अपने ये ड्राई फ्रूट्स हैं उनको तल लेते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा देशी घी
सर्दी में घी बहुत जम जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो काजू और बादाम, पहले इनको भून लूंगी। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश। इससे इसमें खुशबू अच्छी आएगी। दाल तो वैसे भी सकते हैं, पर इनको तल के डालो तो और भी अच्छी खुशबू आती है। दरी मैंने 8 से 10 इलायची कूट ली थी, मैंने पाउडर नहीं डाला, कूट के डाली है हरी इलायची, इससे खुशबू अच्छी आएगी। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी डाल देती हूँ इसमें। वो भी हलवा जो है तैयार हो गया है। अगर लास्ट में मैं डालूंगी इसमें आधी कटोरी जो मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ये आधा आधा करके डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैंने पहले दूध भी डाला था 1 लीटर और ये आधा कटोरी मिल्क पाउडर भी डाला। अब इसमें ऐसा लग रहा है खोआ खूब डला हुआ है। हलवाई लोग भी बहुत घी वगैरह खूब डालते हैं उसमें। लास्ट में मैं 1 चम्मच इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। मैंने 3 बार घी डाला है, एक तो गाजर को उबालते हुए डाला था 1 चम्मच और ड्राई फ्रूट्स जब ये तले हैं तब डाला है मैंने 1 चम्मच और 1 चम्मच अब डाल दिया, तो मैंने टोटल 3 चम्मच डाल दिया है घी। तो इसमें घी भी काफ़ी है और दूध भी, तो ये टेस्टी तो बनना है। प्लीज आप इस हलवे को जैसे मैंने बनाया है वैसा ही बना के देखना। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए आप कीजिए। अब हमारा हलवा बिल्कुल पक गया है और कढ़ाई हल्की हल्की छोड़ने लगा है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इस हलवे को प्लीज आप बनाकर जरूर देखिए, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। और एक नई रेसिपी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।